तो आपको कैसा लगा ताजमहल? बहुत ही बढ़िया नजारा है, शानदार, बेमिसाल, बेहिसाब, वाओ, ब्यूटीफुल। कहीं हमारी नजर ना लग जाए इसको। वाओ, ब्यूटीफुल। हमारी हो चुकी है चेकिंग, हमारे पास न तो कोई हथियार है न कोई बारूद वाला सामान है, तो हम आ चुके हैं ताजमहल के बहुत ही करीब। और अपना बस एक और गेट है, दरवाजा है ताजमहल और हमारे बीच में कुछ दूरियां बनाए हुए हैं, और कुछ ही क्षण में हम होंगे ताजमहल के बहुत ही करीब। जो ताजमहल का जो खूबसूरत नजारा है, हम उससे बहुत ही करीब है, और वैसे हमें यहाँ से थोड़ा दिख रहा है ताजमहल। ये देख लीजिए दोस्तों, ताजमहल आपको दिख रहा होगा, लेकिन हम वो थोड़ा और आगे चल के दिखाते हैं ताजमहल को। और ये देखिए दोस्तों, ताज के बिल्कुल करीब का नजारा देख रहा है जो आप देख रहे हैं। ये हमारे पीछे ताज का कितना नजारा है। एक्चुअली में मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, इस कारण से ये प्रॉब्लम आ रही है, मुझे हाथ पे लोग करना पड़ रहा है, तो इसके लिए माफी चाहूंगा। मौसम में बहुत अच्छा है और कोहरा भी बहुत ज्यादा था सुबह, इसलिए हम थोड़ा लेट आए हैं। अभी भी थोड़ा थोड़ा है, इसलिए हमें क्लियर नहीं दिख रहा है। ये आप खुद देख लीजिए कितना खूबसूरत है, इसलिए ये अपनी खूबसूरती की वजह से ही दुनिया के सारे अजूबों में आता है। आपको कैसा लगा ताजमहल? बहुत ही बढ़िया नजारा है, शानदार, बेमिसाल, बेहिसाब, एक अजूबे के साथ, एक अजूबे, एक और अजूबे के साथ। और इधर ये दोस्तों फिल्मों की शूटिंग वूटिंग भी इन लोकेशंस पर चलती रहती है, उसके लिए एक अलग से परमिशन लेनी पड़ती है, और अलग से चार्ज वगैरह जो भी लगता है। जैसे जैसे ताज के हम करीब जाते जा रहे हैं, वैसा वैसा ऐसे फील हो रहा है कि हम इसके अंदर घुस जाएंगे, और हमारे दिलों की धड़कन भी बढ़ रही है बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। अंदर क्या होगा, कैसा होगा, और हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इसको देख के ना अपने जो वर्ड है वो भूल गए कि हमें क्या बोलना है, क्या बोलना है। अब कुछ बोलना ही नहीं आ रहा है, इतनी बारीकी से नक्काशीदार ऐतिहासिक नमूना हमारे सामने है। दोस्तों हम जा रहे हैं ताजमहल के बैक साइड, अभी हम फ्रंट साइड हैं, और अभी हम जा रहे हैं बैक साइड से होकर राइट साइड, ताजमहल के चारों तरफ राउंड लगाएंगे और देखेंगे उसकी खूबसूरती। इसके पीछे साइड एक रिवर है तो उसको भी देखेंगे, और चलिए चलते हैं सबसे पहले ताजमहल के पीछे, और इस ताज को निहाल लीजिए अच्छी तरह से, इसकी खूबसूरती को आप अच्छी तरह से देख लीजिए, क्योंकि क्या पता आपको इतनी खूबसूरत चीज आपको फिर कभी देखने ना मिले। एक्चुअली आप देख सकते हो ताजमहल कहीं भाग के नहीं जा रहा है, आप यहाँ आके भी देख सकते हो, बट फिर भी आप जो अभी जो मौसम है वो बहुत ही खूबसूरत मौसम है, और यहाँ दिन के 2 बज रहे हैं, और अभी जो व्यू है काफी खूबसूरत है। दोस्तों यहाँ पर एक खूबसूरत नदी भी है जिसका व्यू मैं आपको दिखाऊंगा, यहाँ एक बनी हुई ये यमुना नदी है, ये देख लीजिए। आज हमारा यहाँ पहला दिन है और यहाँ पर पूरे फोग के साथ ताज का नजारा, वाह क्या फोग है। यमुना ये ताज के बैक साइड का सीन जो आप देख रहे हैं, ये नदी है यमुना नदी, जिसका जो बहुत ही खूबसूरत लग रही है ताज के पास में होने का। हेलो, तो अभी ये जो
मीनार देख रहे हैं, ये जो सीन देख रहे हैं ताज के राइट साइड का है और ये बहुत खूबसूरत है, चारों तरफ ऐसा ही आपको देखने को सीन देखने को मिलता है। और आप एक और ये दरवाजा देख रहे हैं, ये दरवाजा है सामने ताज के सामने, लेफ्ट और राइट दोनों तीनों साइड बना हुआ है। पीछे इसके नहीं बना हुआ क्योंकि पीछे इसकी यमुना नदी आ गई है, इसलिए पीछे नहीं है। जी आप ताजमहल का अंतिम व्यू, क्योंकि अब हम ले रहे हैं विदा, क्योंकि इसमें काफ़ी देर हो गई यहाँ घूमते घूमते ताजमहल को निहारते, कहीं हमारी नज़र ना लग जाए इसको, इसलिए हम यहाँ से लेते हैं विदा। दोस्तों ये था ताजमहल का एक वीडियो जो मैंने अभी आपको आपने पूरा देखा, और वीडियो को लाइक तो कर दिया होगा, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो। हमने पूरी कोशिश की वीडियो को और बेहतरीन बनाने की, जितना हमसे हो सका हमने बनाया। मेरे चैनल को तो आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला वीडियो होने वाला यही पास एक म्यूजियम है, और बाकी और भी चीज़ें हैं ताजमहल के आसपास जिनका मैं अगला वीडियो बनाऊंगा, और आप देख लेना यहाँ पे मिल जाएगा आपको कहीं साइड में। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अलविदा, टाटा, बाय बाय।